तो आजकल घरों में ये या ये तो हो गया है बहुत कॉमन। अब हम इन्हें ले तो आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसमें रखें क्या। अब मान लो कि कुछ रख भी लिया, फिर उसके बाद हमें लगता है हमें बार बार इसे चेंज करना है। अब हर बार एक्सपेंसिव चीजें तो हम नहीं ला सकते, या फिर ये कह लो हम मार्केट बार बार नहीं जा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो कम बजट में थोड़ा कुछ सुंदर सा अच्छा सा कुछ घर पर ही बना। तो इस बार की क्राफ्ट में मैं यूज कर रही हूँ वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी से हम अपने क्राफ्ट बनाएंगे, पर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि वॉल पुट्टी की जगह क्या हम पीओपी यूज कर सकते हैं। तो नहीं, हम पीओपी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होती है। आप अगर बना भी लेंगे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी, बहुत जल्दी वो टूट जाएगी। इसलिए पीओपी अवॉइड करें और वॉल पुट्टी का यूज करें। और वॉल पुट्टी बहुत ही सस्ती होती है, मुझे 30 रुपीज में मिली है। 30 × 40-45 रुपीज में पैकेट मिल जाता है और उससे एक नहीं बहुत सारे क्राफ्ट बन सकते हैं। हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज झलक। और ज्यादा इंट्रो देने की जरूरत है नहीं, चलते हैं अपनी क्राफ्ट पर। तो मैंने लिया है ये वेस्ट कार्डबोर्ड और उसके बाद मैंने उसके ऊपर दो बर्ड्स ड्रॉ कर लिए। फिर मैंने पेन कटर यूज करके ये दोनों बर्ड्स को अलग कर लिया। आप पेपर कटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं न्यूज़पेपर की हेल्प से इन दोनों बर्ड्स की एजेस को सिक्योर करूंगी। सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से ये टुकड़े काट लिए हैं, इनको इकट्ठा एक साथ रख लिया। उसके बाद हमने एक बाउल में थोड़ा सा फेविकोल लिया और उसमें उससे डबल क्वांटिटी में वाटर मिक्स किया। अब इस सॉल्यूशन को लगाते जाना है और उस पेपर को जगह जगह से फिक्स करते हुए चले जाना है। ये ध्यान रखें कि जहां पर भी कर्व है वहां थोड़ा छोटा छोटा सा पेपर काट के लगाएं। आप चाहें तो पेपर की जगह टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास जो थोड़ा सा फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर बचा हुआ था उसी में मैंने वॉल पुट्टी पाउडर मिक्स कर दिया है। मैं 2 स्पून वॉल पुट्टी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी। अगर चाहो तो आप फेविकॉल ना भी डालो तो भी चलेगा। इसका थोड़ा सा थिक, ये थोड़ा पतला हो गया, इसमें और वॉल पुट्टी मिक्स करना पड़ेगा। मैं इसमें और 1 चम्मच वॉल पुट्टी मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा थिक सा पेस्ट हम बना लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा जिससे कि एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। अभी हमारा बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब बहुत ही स्मूथिंग वे में ये दोनों बर्ड्स के ऊपर हमें ये धीरे धीरे सारे पेस्ट को लगाना है। बहुत ही धीरे धीरे लगाना है, बहुत आराम से, जिससे कि अच्छे से वो स्मूथली सारे में स्प्रेड हो जाए। अब ये एक साइड में लग गया है। एक साइड में जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम दूसरी साइड में अप्लाई करेंगे, हल्का सा वाटर लेके और इसको हल्का हल्का स्मूथ करते हुए जाएंगे।
अब हमें इसे लगभग 1-2 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसके बैक साइड पे भी इसे अप्लाई करेंगे। अब दोनों बर्ड्स के ड्राई होने के बाद एक सैंड पेपर से हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। पहले हमने जो वाटर का यूज किया था वो इसीलिए किया था जिससे कि इससे हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब जहां जहां आपको जरूरी लग रहा है और जितना जरूरी लग रहा है उतना सैंड पेपर से रब करके इसे स्मूथ बना लेते हैं। फिर हम फैब्रिक कलर्स का यूज करेंगे और अपनी मर्जी से इन बर्ड्स के अंदर कलर्स करेंगे। अब वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक डो बना लिया है। उस डो के 2 पीसेस करके मेरे पास थोड़ा ही था तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। अगर हो सके तो आप लोग बड़ा बनाइएगा। बर्ड के नीचे वाले पार्ट में एक स्टिक इंसर्ट करनी है। सॉरी, वो मैंने दिखाने का ध्यान नहीं रहा, वो पहले से ही मैंने किया हुआ था और उसके बाद में उस डो में फिक्स कर देना है। अब बर्ड्स को हटाकर वॉल पुट्टी डो को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब आ गया मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, कहीं भी मिरर्स फिक्स कर देना। तो मैंने बर्ड्स में जहां जहां मुझे अच्छा लगा वहां वहां मैंने इन मिरर्स को पेस्ट कर दिया है वाइट ग्लू की हेल्प से। और इन बर्ड्स को अब वापस से डो में फिक्स करके उस डो को, स्टिक को, सबको ब्लैक कलर से मैंने पेंट कर दिया। नाउ द फाइनल लुक इज दिस। चलो अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्राफ्ट। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पर सेम शेप के 3 एलिफेंट कट कर लिए और बीच में मैंने स्मॉल मिरर का पार्ट ड्रॉ कर लिया है। 2 कार्डबोर्ड में से ये मिरर्स के पार्ट को कट करके अलग कर देना है। अब जैसे हमने लास्ट क्राफ्ट में किया था ना, वैसे ही हम इसमें भी वाइट ग्लू की हेल्प से और टिश्यू पेपर लगा के इसको भी सिक्योर कर देंगे एक पार्ट को।
और दूसरे पार्ट में मिरर फिक्स कर देंगे और तीनों को एक साथ फिक्स करके उसके साइड्स को टिश्यू पेपर से सिक्योर कर देंगे। अब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम दोनों साइड पे वॉल पुट्टी का पेस्ट जैसे पिछले क्राफ्ट में दिखाया था उसी तरीके का बना के पूरे एलिफेंट पर लगा देंगे। आप एक चीज ध्यान रखें, ये मैंने क्राफ्ट पहले बनाया था, इसमें मैंने वॉल पुट्टी पेस्ट को बहुत अच्छे से मैश नहीं किया है, बहुत अच्छे से मिक्स नहीं किया है। आप प्लीज अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब हम अपने एलिफेंट में कलर्स करना स्टार्ट करते हैं। अब बैक पोर्शन में मैंने ग्लू गन की हेल्प से आइसक्रीम स्टिक्स को लगा दिया है उसका स्टैंड बनाने के लिए। फाइनली दिस इज रेडी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट ट्राई एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कमेंट एंड शेयर आल्सो। बाय बाय।